बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी ना करे। सईदना अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया बंदे की दुआ हमेशा कबूल होती है जब तक वो गुनाह या नाता तोड़ने की दुआ ना करे और जल्दी ना करे। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह जल्दी के क्या मानी है? आपने फरमाया कि यूं कहे कि मैंने दुआ की और दुआ की, मैं नहीं समझता कि वो कबूल हो फिर ना उम्मीद हो जाए और दुआ छोड़ दे, ये मालिक को नागवार गुजरता है, फिर वो कबूल नहीं करता। बंदे को चाहिए कि अपने मालिक से हमेशा फजलो करम की उम्मीद रखे और अगर दुनिया में दुआ कबूल नहीं होगी तो आखरत में उसका सिला मिलेगा। यहां इस हदीस से हमें दुआ के आदाब का पता चलता है कि दुआ मांगते हुए इंसान यकीन रखे अपने रब की जात पर, नाउमीद ना हो, क्योंकि नाउमीदी के साथ रब की रजा नहीं रब का गजब होता है। रब की नाराजगी के साथ कैसे दुआएं कबूल हो सकती हैं? हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो अपने हाथ बुलंद करे यहां तक कि उसकी बगल खुल जाए। बगल खुलने से मुराद ये आहिस्ता आहिस्ता हाथ बुलंद होने शुरू हो जाए, जैसे बारिश में जब दुआ की जाती है, जैसे चमरात की रमी करते वक्त दुआ होती है, तो इसी तरह दुआ इंसान करता है। तो हाथ ज्यादा ऊपर करके जब दुआ करे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अपने हाथ बुलंद करे यहां तक कि उसकी बगल खुल जाए फिर मांगे अल्लाह से कोई चीज वो देता है मगर जल्दी ना करे। लोगों ने अर्ज की या रसूलल्लाह जल्दी कैसे? आपने फरमाया कहता मैंने बहुत मांगा मगर कुछ नहीं मिला। और कितने ही ऐसे लोग हैं अल्लाह पर ऐसे गिले करते रहते हैं। दुआ में यकीन और इसरार होना चाहिए और दुआ में अगर तू चाहे नहीं कहना चाहिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुआ के आदाब में से एक और अदब है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स यूं ना कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे और अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम कर दे, बल्कि उसे चाहिए कि दुआ में इसरार करे, इसलिए कि अल्लाह ताला जो चाहता है करता है, कोई उसको मजबूर करने वाला नहीं। मुस्लिम की रिवायत है 6812 नंबर पर, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई दुआ करे तो ये ना कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मेरी मगफिरत फरमा, यूं ना कहे बल्कि यकीन कामिल और रग़बत इख्तियार करे, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए किसी चीज का अता करना दुश्वार या मुश्किल नहीं। ये कितनी अहम बात है, ये कभी नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह से हमेशा माफी ही की दरख्वास्त करनी चाहिए। और ये भी कभी नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे फलां चीज अता कर दे या अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम कर दे। अल्लाह से रहम जरूर मांगना चाहिए, अल्लाह से मगफिरत जरूर मांगनी चाहिए। बाकी मामलात में इंसान अल्लाह से खैर तलब कर सकता है, किसी चीज की भी खैर इंसान तलब करे और शर से अल्लाह की पनाह मांगे।